भैया उदिक 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 भाई रॉन्ग साइड में मोड़ काट रहा है। बाइक में बहुत फर्क लगा यार चलाने में। सो ठीक है भाई, ये बाइक भी अगर किसी को बजट में लेनी है तो उसके लिए भाई बेस्ट बाइक है ये। गेड़ा कैसे कर रहा है भाई, आराम से चलो भाई। तुम्हारा ले रहा भाई iPhone 14 Pro Max, वही लेने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद है भाई सब बढ़िया ही होंगे एंड बढ़िया ही होने चाहिए। स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में ढेर सारा। सो आज का ब्लॉग देखो भाई, हमारा इस ब्लॉग इस बाइक में होने वाला है, ठीक है ना। पल्सर 150 बाइक है यार ये वाली। तो ये पहले भी मैंने इस पर एक बारी ब्लॉग बनाया, बट आज फिर से हम इस पर ब्लॉग बनाएंगे। 150 cc है और मेरी वाली ना 155 है, बट 150 लगा लो। बट इसके मुकाबले में और उसके मुकाबले में ना भाई बहुत फ़र्क है। वो भी यहाँ से चलते हैं भाई और पेट्रोल डलवाते हैं इसमें सबसे पहले, क्योंकि इसका पूरा गुल्ला खाली है। तो फाइनली भाई अभी पेट्रोल डलवा दिया। तो मैंने इसमें पेट्रोल ना भाई इसीलिए भाई 210 का डलवाया, क्योंकि अगर तुम 10 की रकम आगे रख के तेल डलवाते हो ना तो भाई तेल ना पूरा पूरा होता है। ऐसे तुम 200 का डलवाओगे वो पूरा नहीं होगा। तो ये स्कीम होती है, सारे अपनाया करो ये। बाकी अभी मुझे मोहित मिला था, पता नहीं कहाँ गया, बट मुड़ गया भाई वापस। तो उसको ही मैंने बोला था भाई राइड के लिए चलते हैं कहीं पर यार। सो वो थोड़ा बहुत बिजी था, तो फिर मैं भाई अकेला ही चले जाता हूँ यार, क्योंकि व्लॉग बनाना भाई तुम्हें पता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्ड बाइक का भी यार अपना एक फील होता है यार। नेक्ड बाइक को तुम ना मज़े से बाइक चला सकते हो यार, चाहे जितना मर्जी लॉन्ग रूट कर लो ना मज़े से तुम बाइक चला सकते हो। बट मेरी वाली फुल भाई झुक के चलाना पड़ता है यार, उसमें ना मतलब बंदा पूरा अनकंफर्टेबल होता है भाई, पूरा मतलब ऐसे ना दर्द होने लगती है। बट जो चलाते रहता है फिलहाल उसको तो भाई आदत हो जाती है। बट नेक्ड यार बेस्ट है यार। बट तुम्हें स्पोर्ट्स का मज़ा चाहिए तो फिर भाई R15 जैसी चाहिए भाई, फुल झुकी बाइक जो ऐसे करके चले ना उसका मज़ा ही अलग है भाई। बुलेट वाला आगे निकल गया मेरे से, अभी फिर इसको पीछे करेंगे हम भाई। आज दिखाते हैं इसको भाई 350 vs 150 हो जाए, रेस लग गई है भाई चचा और मेरी। ओ पी मैन फुल लीन कर रहा है, भाई साहब फुल भगा रखी है भाई ने भी। भाई आगे नहीं निकलने दे रहा है यार, लगता है चचा हमसे गुस्सा हो गए हैं। चक्कर भाई भाई बुलेट वाला भी कोई खतरनाक ही लग रहा है, इसको मेरे एक ट्रक टक्कर दे रहा है पूरी बराबरी की। क्या यार बुलेट से पीछे रह गया भाई, जाने दे। उदिक 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 भाई रॉन्ग साइड में मोड़ काट रहा है। सो अभी आ चुके हैं हम कुछ ऐसी लोकेशन पे। सो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ भाई रिहाड़ी, रिहाड़ी बोर्ड के आसपास ही भाई, वहाँ पे कुछ काम है भाई। तुम्हारा ले रहा भाई iPhone 14 Pro Max, वही लेने जा रहा हूँ। व्लॉग में बने रहे भाई, व्लॉग पूरा देखते रहना, बाकी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है यार। सोच रहा हूँ राइडर राजा को बुला लूँ, उसका घर भी वहीं पर है, देखते हैं भाई कॉल करते हैं भाई। आज तो भाई 14 Pro Max लेंगे यार, गजब मज़ा आ जाएगा यार। ओ भाई आराम से भाई, अभी मैंने शिकारी को किया भाई फोन, अपना शिकारी 2.0। सो भाई वो पहले ही रिहाड़ी में है, सो गुरुद्वारे के पास है, चलते हैं भाई उसके पास ही यार। सोच रहा हूँ उसको लेकर जाऊँ साथ में, 14 प्रो मैक्स लेना है यार, तो ले चलते हैं किसी को फिर साथ में भाई। चचा अंदर सो ही गए हैं पुलिस वाले भाई। राइडर राजा आजकल ना बहुत कम आता है व्लॉग में यार। सो थोड़ा बहुत मैं जम्मू में आता भी नहीं हूँ, तुम्हें पता है बहुत सीन होते रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है अभी भाई खतरनाक वाला। उनके पीछे देखो कितना सही लगाया, कोई किसी ते नहीं मर्दी, सब टाइम पास कर दिया ने। वाकई यार फैन हो गया बंदे का यार। हमारे जम्मू की मेटाडोरों में ना आपको बस यही शोशे मिलेंगे देखने को यार, गजब की लाइन लिखी है यार, अगर आपको दिख रहा होगा भाई इतना ट्रैफिक लगा ना यार, पता नहीं क्यों। ऊपर से तो ये कितनी गर्मी है, ऊपर से ट्रैफिक, डबल गर्मी हो गई है यार भाई, पता नहीं क्या है यहाँ पर यार, सीन हो गया कोई लग रहा है। ये देख रहे हो भाई कॉप की गाड़ी चल रही है आगे, कुछ लफड़ा आ गया था भाई मुझे लग रहा है, तभी यहाँ पर कॉप खड़ी थी बहुत ज़्यादा।
हम भागते हैं यहाँ से वरना कहीं स्टंट बाज ना बना दे हमें तो। गाइस यहाँ पर देखो हमें कौन मिल गया हुआ है, देख रहे हो, ये चेक कर रहे हो नंबर प्लेट का है इसकी है? दूसरा राजा डीसी बन रहा है ये भी, पूरी नंबर प्लेटें ब्लूटे निकाल के। भाई नंबर प्लेट ही निकाल गया, चेक कर रहे हो, यह भी ठीक है भाई। चलो आओ, आज उसके पास भी नेट बाइक है, मेरे पास भी नेट बाइक है, मैं इसके मुकाबले की और चाचा भी ठोक देना गई, इसके मुकाबले की कहाँ चला पाऊंगा यार मैं। देखना कैसे कर रहा है भाई, आराम से चलो। भाई जो पीछे बैठा ना वो इसको इतने पकड़ दे रहा होगा ना कसम से। क्या चक्कर हो गया? तो अभी भाई यहाँ से भाई राइडर राजा चला गया, उसको कुछ काम था पता नहीं क्या, यहीं पे खड़ा हुआ था, वो भी रास्ते में ही मिल गया। बाकी अभी हम कौन सी गलियों में घूम रहे हैं भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है भाई, रब के भरोसे आ रहा हूँ मैं यहाँ से। A few moments later. तो भाई अभी अपना 14 Pro Max तो ले लिया है, सो भाई ये गड़बड़ हो गई है यार, पेमेंट मैंने कर दी थी बट वो ना अभी तक अरे यार क्या बोलूँ, मतलब कि प्रोसेसिंग में ही चल रही है, सुबह पता नहीं भाई वापस आएगी कि उसको जाएगी मुझे जाएगी, आई डोंट नो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बट मैंने कैश दे दिया फिर। सो फिलहाल अभी मैं कुछ था ऐसी लोकेशन में, सो फ़ोन तो आपको दिखाते हैं भाई, थोड़ा सा बस वेट करो। सो फिलहाल अभी कुछ काम है यहाँ से भाई गांधीनगर वाली साइड, सो वहाँ पर चलते हैं यार, काफ़ी लेट हो गया यार पेमेंट के चक्कर में ना भाई, पूरा दिमाग ख़राब हो गया यार। सो ऑनलाइन वालों को ना यही रफड़ा रहता है यार, पेमेंट भाई अकाउंट से काट देते हैं और मैसेज कर देते हैं बट जीपे में यार प्रोसेसिंग हो रही होती है, सो ये बहुत गंदा सीन है यार, बंदा पूरा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई करूँ तो करूँ क्या भाई, समझ नहीं आ रहा था। सो फिर बंदे से बातचीत की मैंने यार कि अगर आपको आएगी तो भाई रिटर्न कर देना, तो वो बोल रहा है कोई बात नहीं भाई मैं गारंटी देता हूँ वापस कर दूंगा, देखते हैं क्या सीन रहता है। भाई आराम से चल ले यार थोड़ा, लेट्स गो लेट्स गो। भाई मैंने अपनी टार्जन भी दे दिया भाई फुल तैयार होने को, भाई साहब भाई दूसरी टार्जन नहीं समझ लेना भाई, अपनी बाइक टार्जन है भाई, उसके ब्रेक शू वगैरह सब कुछ बच गई थी यार उसकी, सो बैटरी का फिर से मैंने भाई उसको चार्ज करवा दिया, क्या करें भाई जुगाड़ कर करके भाई टाइम निकालना थोड़ा सा, देन उसके बाद भाई बैटरी भी डलवाएंगे यार। सो डिस्क पैड जरूरी थे क्योंकि पिछली ब्रेक के बिना मैं चल रहा था भाई, एक ब्रेक में ना मैं अपनी बाइक चला रहा था, सो इसलिए मैं आज वही नहीं लेकर आया, अदरवाइज मैं वही लेकर आता। सो एक्चुअली हमारे वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं थी तो काम नहीं हो पाया। सो भाई ब्रेक तो यार इंपॉर्टेंट है यार, अगली ब्रेक में चल रहा था कहीं यार स्टॉप ही बच जाती तो यार गिर जाता, सो इसलिए मैंने भाई फटाफट से दे दिया यार उसको। ये वाली बाइक थोड़ी कांपती है, मेरी वाली फुल ऐसे भाई जाती है घूम घूम के। ओ अल्टो के साथ रेस लग गई, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, भी निकले भाई यार छोटा सा काम पड़ गया था तो वापिस जाना पड़ा मुझे, क्या करे भाई एक जगह आओ तो फिर वापिस जाओ ना भाई, बड़ा गुस्सा चढ़ता है यार। तो मेरे दिमाग में तो भाई कब से बस एक ही चीज़ चली जा रही है, वो पेमेंट अभी तक ना वापस नहीं आई है, पता नहीं कब आती है भाई। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ कहीं पे यार कोई एक छोटी सी ट्रिप मारी जाए यार अखनूर वाली साइड, तो मेरा एक फ्रेंड है वो बुला भी रहा था काफ़ी देर से, एंड मेरा मन भी कर रहा है भाई जाने का क्योंकि काफ़ी दिनों से कहीं पर गए नहीं है। सो अपनी बाइक यार अपना टार्जन तो दे दिया हुआ है मैंने डिस्क पार वगैरह डलवाने को, सो अभी वो भी लेना है यार मुझे क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी तो वहीं पर खड़ा किया हुआ था, अब पता नहीं भाई हो गया होगा अभी तक कि नहीं। सो बाइक का काम तो मैं ना भाई जल्दी से करवा देता हूँ क्योंकि यार वो बाइक ना यार रोज़ चलती है, सो उसी चक्कर में उसका भाई फटाफट करवाना पड़ता है, अदरवाइज स्कूटी वगैरह हो उसका काम चल जाता है, बट तुम्हें पता ही है सबको कि बाइक यार चलती रहती है। सो उसके ना भाई डिस्क पैड बिल्कुल घिसके हुए थे और मैं ना अगली ब्रेक में चल रहा था तो पीछे वाली डिस्क पूरी ना भाई घिस रही थी, तो मैंने सोचा यार चेंज करवा ही देते हैं। तो ये वाला नीचे चले गया भाई मेन सिटी को और अभी हम आ गया भाई हाईवे पे, यहाँ हाईवे का सिर्फ नाम के ये है भाई, इतना गंदा हाईवे बनाया है ना इन्होंने यार, इतने खड्डे हैं, ये चेक कर रहे हो, पैसा नशा प्यार क्या लाइन लिखाई है भाई ऑटो वाले ने,
चाचा मान गया भाई तुझे, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा बंदा भाई, देख रहे हो रोड के बार बार जाके गाड़ी मोड़ रहा है, क्या कर रहा है भाई, बंदा है क्या ये, वहां कसम तो भाई तुम लोग सोच रहे होंगे तुम्हारे भाई ने आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लिया, दिखाया नहीं अभी तक, तो भाई रुको जरा थोड़ा सा सबर करो, अभी दिखाते हैं भाई। भाई पता नहीं कौन फोन कर रहा है, अब आगे सपाटे भी खड़े हैं भाई, बंदा समझा रहा है उसको, कभी कभी भाई समझाने से भी काम चल जाता है। ओ चाचा कार है भाई तुम्हारा, अब दिखाने वाला है तुम्हें 14 प्रो मैक्स। भाई बहुत खुशी हो रही है यार कि मैंने ना 14 प्रो मैक्स ले लिया यार, मतलब यकीन नहीं हो रहा है यार। सो अब दिखाता हूँ तुम्हें, तो ये चेक करे भाई हमारा 14 प्रो मैक्स। चूतिया बनाया तुमको मैक्स, ये चेक कर रहे भाई, ये मैंने लिया है कुल कुल 4 खोखे में। तो कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको 4 खोखा पता है। तो भाई कोई आईफोन वीफोन नहीं लिया भाई, भाई के पास तुम्हारे ना भाई फोन भी नहीं था, और भाई तुम्हारा ना भाई ऐसे दैसे करके भाई एडिटिंग करके व्लॉग्स डाल रहा था ना भाई, तुम्हें क्या ही बताऊँ, बट फिर भी मैंने ना तुम्हें बताया नहीं यार, क्योंकि हर चीज़ बताना ना अच्छी नहीं लगती है। सो बहुत कुछ चलते रहता है भाई लाइफ में, स्ट्रगल्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल टाइम जब चल रहा हो तो भाई बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बट तुम्हारे भाई ने फिलहाल अभी ये ले लिया हुआ है पूरा 4 खोखे का, तो कमेंट बॉक्स में बता देना 4 खोखे का मतलब, समझ ही गए होंगे तुम मेरा। सो अभी फ़िलहाल टाइम पास के लिए लिया है यार, ये मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं था एक्चुअली, मैंने अपना वाला बेच दिया हुआ था, तो बस यही लेने गया था भाई आईफोन 14 प्रो मैक्स। कहाँ से लेना भाई, लोग तुम सपोर्ट ही नहीं करते हो, सो डिजिन भाई सपोर्ट करोगे तो भाई भाई तुम्हारा तो वो भी ले लेगा यार, तुम्हारे प्यार की वजह से और मेरी मेहनत की वजह से। सो एक छोटा सा प्रैंक कर दिया मैंने तुम्हारे ऊपर की 14 प्रो मैक्स ले रहा हूँ, सो प्लीज़ भाई सपोर्ट करो, सो ज़रूर भाई एक दिन 14 प्रो मैक्स भी लेंगे भाई। फिलहाल भाई अभी हम रुके थे कुछ ऐसी लोकेशन में, एंड ये बाइक आज चला के भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई 150, एंड मुझे इसमें और अपनी बाइक में बहुत फ़र्क लगा यार चलाने में। सो ठीक है भाई, ये बाइक भी अगर किसी को बजट में लेनी है तो उसके लिए भाई बेस्ट बाइक है ये, ठीक है ना। सो बाकी भाई ये रहा तुम्हारे भाई का भाई 14 प्रो मैक्स, चेक करे हो हमारे लिए भाई यही 14 प्रो मैक्स है, बट क्या करें यार। सो तुम्हारा सपोर्ट रहेगा ना तो भाई ज़रूर एक दिन लेंगे भी यार। बाकी ये बाइक देखी है बट भाई तुम्हें क्या ही दिखाऊँ। सो अभी निकलते हैं यहाँ से भाई, बिना टाइम वेस्ट करे भाई काफ़ी लेट हो गया हूँ यार। सो करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो भाई बार बार ना बोलना पड़े तुम्हें, बस तुम कर दिया करो यार, और कुछ बंदे भाई करते भी है यार काफ़ी अच्छा लगता है, तो यार उनको दिल से बहुत ज़्यादा मतलब यार प्यार है, लव यू यार, ठीक है ना। सो बाय बाय टाटा एंड राइड सेफ़।